अपने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था विलेन डिशेस और उसके एग्जांपल्स आज अपन करेंगे। तो विलेन डिशेस के अंदर अपन ने पढ़ा था कि भाई एक विलेन डिशेस कैसे निकाला जाता है, उसके स्टेप्स अपन ने देखे थे। तो इसके अंदर इसका जो फॉर्मूला होता है a/x, a/y, a/z अपने पास में बेटा दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग अपन को इसका मिलर डिशेस निकालना है। ठीक है, अपन ने एक एक्स वाई जेड तीन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपने एक क्यूबिक बनाया है। उस क्यूबिक के अंदर इनका जो अपन को जो ये रखा है बेटा, उसके अकॉर्डिंग अपन उसको निकालेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले अपन निकालेंगे क्यूबिक के, यहाँ पे ए का मान क्या एक्चुअली में इक्वल रहता है, ए का मान अपन ने यहाँ पे स्टैंडर्ड होता है वो ए करता है अपन उसको लेते हुए। आगे एक्स का मान है जो क्या है 1, y का क्या रहेगा 0 और z का क्या रहेगा 0। तो अपन इसका वहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग करने के बाद में इसके बाद में इनका क्या करते हैं अपन इंटीजर्स निकालते हैं। इंटीजर्स क्या आएंगे, एक इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, और इसके अंदर अपन का जो विलेन डिशेस का जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी 100 मीन्स x जो इसको जो डिनोट करते हैं एच के एल से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले अपन का जो x डायरेक्शन के अंदर जो प्रोजेक्शन लाइंस होगी या डायरेक्शंस होगी प्लेन की डायरेक्शन होगी वो क्या रहेगी 1 के अकॉर्डिंग, मतलब इस एक्स एक्सिस के ऊपर जो एक मान है एक्स का वो क्या है एक का मान कितना रहेगा लगभग अपन ने जो लिया है ये एक का मान है। ठीक है, एक का यहाँ पे लेते हुए इसको आगे बढ़ाया जाता है, यहाँ से अपन देखने जाए तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके पैरेलल लाइंस आ रही है, पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग जो इसका मान है वो ये रहेगा और ये अपना जो क्या बन जाएगा ये अपने जो 100 है जो इस मिलर डिशेस का मान वो अपन को मिलर डिशेस के डायरेक्शंस और प्लेन की मिल जाएगी। इसी तरीके से अपन को निकालनी है 100 इसके लिए क्या रहेगा a/x, a/y, and a/z। यहाँ पे a का मान कितना है 1/0, एक का y का मान कितना है 1 और z का मान कितना है 0। इसका अपन में आगे इनको इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद में इनका जो अपन निकाल ले रहे हैं वो अपना क्या रहेगा इंटीजर्स इन्फिनिटिव 1 और इन्फिनिटिव। ठीक है, इसका अपन ने पहले से निकालते हैं तो कितना आएगा 0 1 0। ठीक है, इसको एच के एल से भी अपन डिनोट करते हैं। तो सर इसके अंदर जो अपन निकाल रहे हैं तो ये एक्स डायरेक्शन के अंदर देख रहे हैं तो वो उसका मान कितना है 0। ठीक है, और वाई जो है उसके अंदर डायरेक्शन का मान कितना है 1, तो 1 के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे तो इसका मान यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से 1 ठीक है, अपन इनको आपस में क्या तय करेंगे जो अपना है ये अपन को मिल जाएगा इस मिलर डिस्टेंस का प्लेन और डायरेक्शन अपन को इसमें मिल जाएगा, डायरेक्शन ऑफ द प्लेन मिल जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपन को इस जो मिलर डिस्टेंस इसके अकॉर्डिंग अपन को जो डायरेक्शन है डायरेक्शन ऑफ प्लेन वो अपन को यहाँ से या फिर फाइंड हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से अपन नेक्स्ट क्यूबिक के ऊपर आते हैं जो इसका मान है 001। ठीक है, 001 के अंदर क्या है इसका अपन वही है मिलर डिस्टेंस के जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करते हैं, जो स्टेप थे उन स्टेप के अकॉर्डिंग अपन आगे काम करते हैं a/x, a/y, and a/z। यहाँ पे a का मान कितना है 1 और x का मान कितना है यहाँ पे 0, y का मान कितना है 0 और z का मान कितना है 1। तो इसको आप अपने इंटरसेप्ट करने के बाद में इसका इंटीजर्स निकालते हैं, तो इंटीजर्स क्या निकलेंगे इन्फिनिटिव और 1। तो इसका मिलन डिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0 और 1। ठीक है, इसको वही है एच के एल से डिनोट करते हैं अपन मिलन डिस्टेंस के अंदर, तो इसके अंदर इसका मान निकालेंगे। तब इसके अंदर देखा जाए तो अपने जो एच के अकॉर्डिंग जो मान है इसका क्या है वो क्या रहेगा 0, वाई के अकॉर्डिंग मान जो आ रहा है वो भी क्या है 0, तो जो जेड डायरेक्शन के अंदर है
इसके अंदर जो इसका मान आ रहा है वो कितना है, एक। तो एक के अकॉर्डिंग जो अपना बनेगा वो यहाँ से इसके जो पैरेलल है उन लाइनों को लेते हुए अपन इसका डायरेक्शन ऑफ प्लेन बनाएंगे। तो ये अपने जो मान है ये प्लेन ऑफ डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ये अपने तीन एग्जांपल हो गए हैं। अब अपने पास में कोई एग्जांपल दे रखा है कि उसका जो मान है वो कितना है, 200। इसका निकालने के लिए अपन डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये भाई x, ये भाई y, ये भाई z, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कि अपने पास जो गिवन डाटा है इसके अंदर जो x की वैल्यू है वो कितनी है। तो a का मान स्टैंड में रहता है तो वो कितना है, एक। और जो x की वैल्यू वो कितनी रहेगी, दो। y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो अपने इसका इंटरसेप्ट निकाल लिया है, इसके बाद में इसका इंटीजर निकालेंगे तो इसके मान कितना आएगा, 1/2 इनफिनिटिव और इनफिनिटिव। तो इनका मिलर डिस्टेंस अपन निकालते हैं तो मिलर डिस्टेंस का वैल्यू कितने आ जाएंगे, 1/2 0 और 0। और मिलर डिस्टेंस को अपन किस में किस के द्वारा डिनोट करते हैं, एच के। इसके अंदर अपन इसका मिलर डिस्टेंस निकालते हैं तो इसका अपन जो मान दे सकते हैं डायरेक्शन ऑफ प्लेन निकालने के लिए, तो जो एक्स का मान है वो कितना है, ये 1/2। तो 1/2 जो अपनी एक्स की जो डायरेक्शंस हैं जो अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस ली है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/2 क्या आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इसी के अपन पैरेलल जो एक्स एक्सिस से पैरेलल जो लाइन जा रही है इसी पैरेलल लाइन करते हुए अपन इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी अपन इसके पैरेलल में जो है वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। और यहाँ पे इसके पैरेलल में यहाँ पॉइंट आएगा, तो इनको आपस में इसकी वैल्यू है वो कितनी है, 1/2, ठीक है। इसके बाद में जब डायरेक्शन ऑफ प्लेन आएगी वो क्या रहेगी, इस तरह जो डायरेक्शन ऑफ प्लेन बनेगा जो मिलर डिस्टेंस के द्वारा वो अपना 200 के लिए इस टाइप पर रहेगा, जो क्या है जो एक्स एक्सिस उसको आपस में काट रहा है। इस तरीके से अपन इसका मान निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए यदि मेरे पास 111 वैल्यू दे रखी है तब उसके बाद अपन को मिलर डिस्टेंस निकालना है, तो मिलर डिस्टेंस वही है जो इस टाइम अपन ने सारे फॉलो किए थे। तो उसी के अकॉर्डिंग जो मान रहेगा वो क्या रहेगा, वही ये मिलर डिस्टेंस का स्टेप, ए बाई एच, ए बाई वाई एंड ए बाई जेड। तो एच का मान कितना है, 1, ए का मान कितना, 1 रहता है, 1/1 और ये 1/1। पहले इंटरसेप्ट करने का इंटरसेप्ट निकालेंगे तो मान क्या आएगा, 1/1 और 1। मिलर डिस्टेंस के अंदर इसको मान को जो अपन लिखते हैं तो एच के एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन इसका मान अपन जो अपने पास में कोऑर्डिनेट एक्सिस ली हुई है किसी क्यूबिक के अंदर, तो एक्स 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 के एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका जो मान है वो कितना है, एक यहाँ पे आ जाएगा, मान रहेगा एक, ठीक है। तो यहाँ पे वाई के लिए कितना रहेगा, वाई के लिए भी एक। और जेड के लिए के जो मान है वो कितना है, जेड एक्सिस के लिए वो कितना है, एक। तो इनको आपस में आप ला लेंगे क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्लेन को मिलाते हुए जो अपने पास में जो स्टिक मिलेगा वो क्या रहेगा, स्टिक रहेगा वो इस टाइप का रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को 1/1 के लिए अपन भी मिलर डिस्टेंस को देखते हुए डायरेक्शन ऑफ प्लेन हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से यदि 1/0 ये 1/1 होता है, ये क्या होता है, नेगेटिव एक्सिस होती है, इसको नेगेटिव एक्सिस बोला जाता है। इसके अंदर जब इसका वैल्यू निकालते हैं मिलर डिस्टेंस के अंदर, जब इसका जो वही है प्रोसीजर जो अपन पहले कर रहे हैं, तो ए बाई एक्स
ए बाई वाई एंड ए बाई जेड, ठीक है। इसके अंदर ए का मान तुम्हें पता है, इसका ए ही रहता है, और इसका जो मान है वो क्या रहेगा, हाफ वन, ठीक है, वन बाय है, और ये क्या रहेगा, वन बाई जीरो, और ये वन बाई जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसका मान आगे निकालते हुए इसकी वैल्यू आगे इंटरसेप्ट करने के बाद क्या इंटीजर निकालते हुए इसका मान रहेगा वन इंटीजर और इंटीजर, और इसी तरह से इसका मान लिखेंगे वन जीरो जीरो, ठीक है। तो ये वन जीरो जीरो अपने पास वन क्या है, बार के अंदर भी, तो इसको अपन वही एच के एल से डिनोट करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो एच के जो क्या है बैक साइड में रहेगी, जो आगे है वो कहाँ रहेगा, पीछे की तरफ रहेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू है वो कितनी आएगी, ये क्या फ्रंट ओवर बन रहा था, एक्स एक्सिस के फ्रंट ओवर बन रहा था, जब इसका नेगेटिव होगा तो इसका जो डायरेक्शन ऑफ प्लेन बनेगा वो क्या रहेगा, जो बैक साइड बनेगा फ्रंट के बैक साइड के, ठीक है। इस तरीके से इनका जो वैल्यू रहेगी इस तरीके से इनकी डायरेक्शन ऑफ प्लेन इस टाइप का जीरो के लिए मिलर इंडिसेस फाइंड करेंगे। तो इसके अंदर अपन देखेंगे तो वही है जो मिलर इंडिसेस ज्ञात फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो अपने जो स्टेप्स देखे थे उनको अपन फॉलो करेंगे। तो ए बाई एक्स, ए बाई वाई एंड ए बाई जेड, इसके अंदर अपन इनकी वैल्यू जो ए की वैल्यू क्या रहती है वन, और जो एक्स की वैल्यू है वो है टू, और वाई की वैल्यू कितनी है वो टू, और जेड की वैल्यू कितनी है जीरो। इसको डिनोट करने के एसिबिलिट करने के बाद में इनका जो अपन इंटीजर्स निकालेंगे तो वन बाई टू, वन बाई टू और इन्फिनिटी आएगा, उसका अपन मिलर इंडिसेस के अंदर लिखने के लिखेंगे वन बाई टू, वन बाई टू और जीरो, और एच के एल के अंदर अपन मिलर इंडिसेस के अंदर निकालते हैं। तो इसके हम देखते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इस तीनों के अंदर एक पुट्टी है जिसका अपन कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसके अंदर अपन एक्स की वैल्यू अपन लिखते हैं, तो अपनी एक्स की वैल्यू रहेगी वो कितनी है, वन बाई टू, ठीक है। तो इससे आगे जो अपना यहाँ पे वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, वाई की डायरेक्शन में वन बाई टू, और जेड की डायरेक्शन में क्या वैल्यू है, जीरो, ठीक है। अपन इसके बाद में इनके जो वन बाई टू है एक्स की जो इंटरसेप्ट हो रही है उसको अपन वर्टिकली और वर्टिकली आगे बढ़ाते हैं, तो इसकी जो पॉइंट्स हैं वो आगे इसी के ऊपर मिल रही हैं, ठीक है ना, वो ना एक्स को कट कर दीजिए ना वाई को कट कर दीजिए, इसी तरीके से अपन वाई डायरेक्शन वाली उनको भी अपन आगे बढ़ाते हैं, आगे पॉइंटों को अपन निकाल लेते हैं, उसके द्वारा अपन डायरेक्शन ऑफ प्लेन निकाल लेते हैं मिलर इंडिसेस के द्वारा। तो इस तरीके से अपन इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, इसी तरीके से आगे वन टू थ्री के लिए अपन मिलर इंडिसेस निकालते हैं। तो इसके अंदर वही है कि सबसे पहले अपन ए बाई एक्स, ए बाई वाई एंड ए बाई जेड के अंदर अपन की वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू रहेगी अपने यहाँ हमेशा ए, और एक्स की वैल्यू है जो अपने एक्स की वैल्यू यहाँ पे तुमको दे रखी है वन, और वाई की वैल्यू है टू, और जेड की वैल्यू है थ्री। उसको अपन कनेक्ट करने के बाद में जो अपन एक्सिक्यूट करने के बाद उनका जो इंटीजर्स निकालेंगे जो मिलर इंडिसेस के अंदर जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, वन, वन बाई टू और वन बाई थ्री। तो इसको अपन वैल्यू को पुट करते हैं इसके अंदर कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट एक्सिस है इसके अंदर, एक्स के अंदर जो वैल्यू है वो वन है, और वाई के अंदर जो वैल्यू है वन बाई टू है, और जेड के अंदर जो वैल्यू है वो वन बाई थ्री है। इसी के द्वारा अपने जो इनको पुट करने के बाद में जो अपने पास प्लान है वो होगा वो डायरेक्शन ऑफ प्लेन वो इस टाइप का बनेगा। इस तरीके से अपन मिलर इंडिसेस के द्वारा अलग अलग कोऑर्डिनेट्स के अंदर इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। थैंक यू।